ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी इस संसार में पद्मा पदम भाग्यवान हैं। भाग्य विधाता ने स्वयं हमारा भाग्य बनाया है और वो हमारे पिता हैं। एक पिता अपने बच्चों का भाग्य कैसा लिखेगा सोच लें। स्वयं भाग्य विधाता हमारा हो गया, उसने भाग्य बनाने की विधि भी हमें बता दी। याद करें इस जीवन में बाबा से हमें क्या क्या मिला। अगर हम उन प्राप्तियों को याद करें, उन सुंदर घटनाओं को याद करें, उन सुंदर अनुभूतियों को याद करें जो बाबा के साथ हुई हैं, जो इस ईश्वरीय पथ पर कदम रखने से प्राप्त हुई हैं, तो मन प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएगा। सचमुच दिव्य बुद्धि प्रदान की है बाबा ने हमें। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि वो हमारा साथी बन गया है, जीवन साथी, जीवन की यात्रा पर हमारे साथ चलने वाला साथी। सबसे बड़ी प्राप्ति भगवान ही हमारा हो गया, उसने बहुत सुख दिया, जन्म जन्म के कष्ट हर लिए, जो कुछ हमने चाहा था भक्ति में वो सब उसने दे दिया है। हम तो भूल गए हमने क्या चाहा था, उसे सब पता था, उसने सब कुछ दे दिया, हमारा तीसरा नेत्र खोला। सोचें, सत्य ज्ञान के लिए हम तरसते थे, भटकते थे, खोजते थे, सत्य स्वयं चलकर हमारे द्वार पर आ गया, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, सारी गुत्थियां खोल कर रख दी। स्वयं वो पढ़ाने आ गया परम शिक्षक बनकर और परम सद्गुरु बनकर, हमारा हाथ पकड़कर, हमारी जीवन नैया का खिवैया बनकर, हमारी जीवन नैया को खेने लगा। सरलता ला दी जीवन में, हम ये सीख ले कि उसके हाथ तो नैया सौंप कर हम निश्चिंत हो जाएं, अपने बोझ सारे उसको देकर हल्का हो जाएं। याद करें बाबा ने दृष्टि देकर क्या क्या अनुभव कराए, याद करें उसने क्या क्या वरदान दे दिए, उसने क्या क्या शक्तियां मुझे दे दी हैं, किस किस समय पर हम उसकी मदद के पात्र बन गए। सचमुच जो कुछ उसने हमारे लिए किया, चारों युगों में भी सबने जो कुछ हमारे लिए किया हो वो मिला भी दें तो भी कम रहेगा। हजारों गुना ज्यादा, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा उसने हमारे लिए कर दिया, हमें अपनी संपूर्णता की राह दिखा दी, हमारे दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन करा दिया। कितनी सुंदर ये प्राप्तियां हैं, जिसको देखने के लिए मन भटकता था, जिसकी क्षणिक झलक पाने के लिए तरसते थे, वो हमारे सम्मुख आ गए। लो ले लो जो चाहे मुझसे लेना, और इतना ही नहीं दे दिया है। तो अपने इन सुंदर अनुभवों को याद करके प्रभु प्रेम में मग्न रहने का अनुभव करें। आज सारा दिन हम याद करते रहेंगे बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है। पर्सनली भी हर एक को बहुत कुछ दे दिया है, राजी हो गया है भगवान हम पर, बार बार याद करेंगे। और राजी होकर कह रहा है बच्चे जो चाहे ले लो, मैं भी तुम्हारा और मेरा सब कुछ भी तुम्हारा, हम लेते चलें। और जैसे बाबा दूसरों के संपूर्ण स्वरूप को ही देखता है, उसे ख्याल रहता है वर्तमान स्वरूप इनका चाहे जैसा भी हो, अब वो दिन जल्दी आ जाएगा जब ये अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। हम भी एक दूसरों को देखते हुए आज उनकी संपूर्ण स्थिति में देखेंगे सबको कि आज ये पुरुषार्थी हैं, कल ये संपूर्ण बन जाएंगे और हम सब आत्माएं घर चलेंगे। तो आज अपनी प्राप्तियों को याद करते हुए
अपने और दूसरों के संपूर्ण स्वरूप का एक विजन बुद्धि में रखते हुए अभ्यास करेंगे। हम सब बाबा के साथ उड़कर घर जा रहे हैं और पहुंच गए उस चैन और विश्राम की दुनिया में जो हमारा अपना घर है, जहाँ बहुत सुख है। कुछ देर वहाँ बैठकर इस सुख की शांति की अनुभूति करेंगे। ओम शांति।